प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ। बीजेपी नेता बरखा शुक्ला सिंह ने अपनी आवाज दी है इस थीम सॉन्ग में। देश के कोने कोने जन जन तक इस थीम सॉन्ग को पहुंचाने का लक्ष्य है। लॉन्चिंग के मौके पर राजनीतिक और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक अनोखा प्रयास किया गया। दिल्ली की पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेता बरखा शुक्ला सिंह ने मन की बात कार्यक्रम का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ के बाद से ही उनके मन की बात कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, जिसका अभी तक का 110 संबोधन हो चुका है। ऐसे में बरखा शुक्ला सिंह ने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च करके मन की बात कार्यक्रम का एक नया आयाम शुरू कर दिया है। महिला दिवस के मौके पर इस थीम सॉन्ग का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक और पत्रकारिता जगत से लोग मौजूद रहे। मन की बात के थीम सॉन्ग को लॉन्च करने के बाद बरखा शुक्ला सिंह ने बताया कि यह मोदी जी के शुरू के 5 मन की बात एपिसोड से मिलकर एक थीम सॉन्ग बनाया गया है। आने वाले दिनों में सभी राज्यों में अलग अलग मन की बात के एपिसोड पर अलग अलग थीम सॉन्ग बनाए जाएंगे, ऐसा उद्देश्य है। और वो मानती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा के स्रोत लेते हुए उन्होंने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ राजनीतिक से संगीत के माध्यम से रास्ता चुना है, इस लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों को काफ़ी सराहा भी जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये थीम सॉन्ग जो लॉन्च किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हैं प्रशासन से जुड़ी रही हैं और उस सबके साथ में सेवा भाव और सेवा कारज अनुभूति के द्वारा कर रहे हैं, ये हमारे लिए उदाहरणीय है। हम सब अपने जीवन में अपने कोई भी कार्य करें, उस सबके साथ में कुछ ना कुछ सेवा कार्य करें, ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये भी एक कारण है कि उनके किसी कार्यक्रम को ना बोलना मेरे लिए मुश्किल होता है। अपने मन की बात का जो है उस थीम को लॉन्च किया है, उद्देश्य क्या है? देखिए, हमें जो मोदी जी जो हर महीने मन की बात का आधे घंटे का एपिसोड होता है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, हम सबका परिवार है, हम सब उनका परिवार हैं, है इसको पूरी तरह से एक एपिसोड से लेके 110 एपिसोड तक 50 लेके जा चुके हैं और 110 पूरे किए जाएंगे। तो इस पर मतलब ये है कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, जो हम एक लेखनी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, स्वर के माध्यम से और अच्छा संगीत जो देवानंद झा जी ने बनाया है उसकी, उससे हम इसको जन जन तक पहुंचाने में बहुत कामयाब होंगे। और जब मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी छोटी सी बच्ची जो है, जब वो उसको कल वो गा रही थी मन की बात भारत के जन जन की बात, यानी ये तो जन जन की बात ही होगी। और अब हम लोग ये बहुत खुशी होती मैं तो कि इसको हम लोगों का सबका ये इरादा है कि हम इसको हर प्रांत में लेके जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में लेके जाएंगे और वहाँ पे इसका मन की बात का कार्यक्रम करेंगे और लोगों तक मोदी जी जो कहना चाहते हैं, जो उनका संदेश है, वो इस माध्यम से पहुँचाएंगे। संगीत के माध्यम को आपने चुना है, क्या लगता है कि संगीत जो आप संगीत के माध्यम से मैसेज पहुँचाना चाहती है वो ज़्यादा लोगों के मनों तक जाएगा? बिल्कुल। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जब तानसेन गाते थे तो आपको पता है कि बारिश हो जाती थी, बादल नहीं होते थे, बारिश हो जाती थी। तो संगीत में जो बात है, जो मिठास है, किसी भी इंसान को, कोई दुखी हो, किसी भी तरह से हो, संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी को दूर कर देती है। उसके शब्द भी बहुत अच्छे हों तो फिर उस पर बहुत अच्छा, धुन बहुत अच्छी हो वो तो सोने पे सुहागा। शब्द हैं, धुन है और आवाज़ भी है, तो हम समझते हैं कि ये बात को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचा पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मन की बात जो है भारत के जन जन में जाएगी और ज़रूर जाएगी। इस सार्थक प्रयास के लिए किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके साथ में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देवानंद झा जी जो हमारे संगीत सिखाते हैं हमको, और इन्होंने ही संगीतबद्ध किया है इसको, और सुधीर जी जो सारा, और अपने जो कैमरामैन हैं हमारे, और सभी हमारे साथी लोग, फोटोग्राफर, कैमरामैन, पूरी टीम हम लोगों की है। तो हम लोगों ने चूंकि अब बीड़ा उठाया है और 110 एपिसोड हैं
110 एपिसोड बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तो 5 रिकॉर्ड हुए हैं, फिर 5 और होंगे, फिर 5 और होंगे, ऐसे 5-5 करके हम लोग बनाएंगे और फिर पूरे 110 एपिसोड पूरे करेंगे। अलग अलग राज्यों में इसको आप लोग, बिल्कुल हम लोग जाएंगे और ये निवेदन करेंगे कि गवर्नर हाउस में हमारी ये कोशिश है और प्रयत्न ज़रूर करेंगे और कोशिश करो तो सब कुछ कामयाब हो जाता है कि हम इसको गवर्नर हाउस में जाके मन की बात का कार्यक्रम करें। हमारी टीम, हमारे सब लोग साथी हमारे साथ जाएंगे और हम मन की बात को जन जन तक पहुँचाएंगे।